वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भी व्लॉगिंग की जाए, आप लोगों को भी मैं मेरे साथ बाबा के दर्शन कराऊं। आज संडे है, सावन चल रहा है, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से आप लोगों को मैं दर्शन कराऊँ। पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है। तो 4 बजे से हम लोग उठे हुए हैं, अभी बस चाय पीते हैं और निकलते हैं। और आज तीज भी है, तो आप सभी लोगों को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चाय पी के फिर निकलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं, हमें अभी तकरीबन 2 घंटे लगेंगे खाटू श्याम जी पहुंचने में। मैं शादी से पहले 2-3 बार खाटू श्याम जी गई हूँ, बट शादी के बाद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम रिंगस में पहुंच चुके हैं। रिंगस से खाटू श्याम जी 17 किलोमीटर दूरी पर है। कई श्रद्धालु रिंगस से खाटू श्याम जी पैदल ही जाते हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण हमें गाड़ी 4-5 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ी है। कल सैटरडे था, मंदिर कल बंद था, और अभी सावन चल रहे हैं, आज संडे भी है, इस वजह से आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। ये महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। अभी हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए अप्रोक्स 1 किलोमीटर की ये रेलिंग बनाई गई है, जिससे कि जो भीड़ है उसे डाइवर्ट कर सके। ये है बाबा का मेन दरबार, बाबा इसके अंदर विराजमान है, और इसके आगे मैं शूट नहीं कर पाई, जैसा कि आप भीड़ देख ही सकते हैं। तो मंदिर के अंदर किसी को भी 3-4 सेकंड से ज़्यादा रुकने नहीं दे रहे थे।
दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम घर वापस जा रहे हैं। और ये जो द्वार आप देख रहे हैं इसे तोरण द्वार कहा जाता है। तो अब हमें लग गई है भूख, क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं, लंच का टाइम भी हो गया और मॉर्निंग से किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी हम लंच करने के लिए एक ढाबे पर रुके हुए हैं। घर जाते जाते शुरू हो गई है बारिश, उस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी ठंडा हो गया। और आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए हॉल वीडियो या ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।